इसराइल ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, गाजा में सैनिकों को कार्रवाई की पूरी आजादी है। उन्होंने सैनिकों को संदेश दिया कि जब तक जीत हासिल नहीं होती है आगे ही बढ़ना है। ये बयान तब आया है जब गाजा में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने भी नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। योव गैलेंट ने कहा कि गाजा को सबसे बड़ा आतंकी अड्डा बताया और कहा कि 240 बंधकों की रिहाई से पहले किसी तरह के युद्ध विराम का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। पीएम नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि गाजा में किसकी सरकार होगी ये इसराइल तय करेगा। उन्होंने गाजा को बेहतर भविष्य देने का वादा किया है। इस बीच नेतन्याहू हमास के खात्मे में जुटे अपने सैनिकों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी में 14,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। इसमें 100 से अधिक सुरंगों के प्रवेश द्वार हैं जिन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है।